बॉलीवुड इंडस्ट्री की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित अपने दौर की एक मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं, जिन्होंने अपने अभिनय और अपनी अदाओं से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। दर्शकों को इनके अभिनय के साथ साथ इनका डांस भी काफी ज्यादा पसंद है। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित एक क्लासिकल डांसर हैं जिन्होंने कथक में महारत हासिल की हुई है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको माधुरी दीक्षित के बारे में नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित की कुल संपत्ति के बारे में बताएंगे। आपको बता दें इनकी कुल संपत्ति करोड़ों में है, जिसे जानने के बाद आपको वाकई हैरानी होने वाली है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं धक धक गर्ल की संपत्ति से रूबरू होना। लेकिन इससे पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री की जबरदस्त अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित आज 53 साल की हो चुकी हैं। 15 मई 1967 को जन्मी माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1984 की फिल्म अबोध से की थी। इस फिल्म में माधुरी के अभिनय को खूब पसंद किया गया था। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि माधुरी दीक्षित ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से ही की थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री को हम आपके हैं कौन, हम तुम्हारे हैं सनम, कलंक, खलनायक और कोयला जैसी फिल्में देने वाली माधुरी दीक्षित बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। माधुरी दीक्षित जितनी बेहतरीन एक अदाकारा है, उतनी ही बेहतरीन ये डांसर भी हैं। दर्शकों को इनकी फिल्मों में सिर्फ इनका अभिनय ही नहीं बल्कि इनकी अदाएं भी पसंद है, और माधुरी दीक्षित अपनी अदाओं से भी दर्शकों को दीवाना बनाती हुई नजर आई है। भले ही आज ये 53 साल की हो गई हो, लेकिन खूबसूरती के मामले में आज भी माधुरी प्रियंका और दीपिका को पीछे छोड़ती हैं। लेकिन अगर बात करें माधुरी की कुल संपत्ति के बारे में, तो आपको बता दें कि माधुरी कुल 35 मिलियन संपत्ति की मालकिन है, जो भारत के अनुसार 340 करोड़ आंकी गई है। भले ही आज माधुरी दीक्षित फिल्मों में कम दिखाई देती हो, लेकिन आज भी यह सबसे ज्यादा फिल्मों के लिए पैसा लेने वाली अभिनेत्री कही जाती है। माधुरी दीक्षित अपनी हर एक फिल्म के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। वहीं इसके अलावा माधुरी दीक्षित कई ब्रांड्स की एम्बेसडर भी हैं, जिस वजह से इन्हें काफी अच्छी मोटी रकम मिलती है। माधुरी दीक्षित जो भी साड़ी पहनती हैं, इनकी हर एक साड़ी की कीमत लाखों में होती है। फिल्मों के अलावा माधुरी दीक्षित रियलिटी शो से भी खूब कमाती हैं। झलक दिखला जा रियलिटी शो के एक एपिसोड को कास्ट करने के लिए माधुरी दीक्षित 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा माधुरी दीक्षित के कई अपार्टमेंट और फ्लैट भी हैं। लुखानवाला में माधुरी दीक्षित का एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी कीमत करोड़ों में है। वहीं अमेरिका में भी माधुरी दीक्षित ने कई बंगलों को खरीदा है। मुंबई के कई एरिया में माधुरी दीक्षित ने फ्लैट खरीदे हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। बात करें इनके पास कार कलेक्शन की, तो आपको बता दें माधुरी दीक्षित को कार का भी बहुत शौक है। उनके पास मर्सिडीज बेंज, एस सीरीज, ऑडी, Q7 जैसी कई कारें हैं। वहीं हाल ही में माधुरी दीक्षित ने खुद ऑर्डर देकर एक कार को मॉडिफाई करवाया है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। और इस तरह फिल्मों से दूर होने के बावजूद ही माधुरी दीक्षित आज करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। वर्तमान समय में पूरे भारत देश में लॉकडाउन है, जिस वजह से माधुरी दीक्षित इस समय अपने बच्चे और पति के साथ समय बिता रही हैं। हाल ही में इनसे जुड़ा एक वीडियो पोस्ट हुआ था जिसमें माधुरी दीक्षित कथक करती हुई नजर आ रही थी, वहीं इनके बेटे तबला बजाते हुए नजर आ रहे थे और इनकी इस वीडियो को भी खूब पसंद किया गया था। तो दोस्तों, आपको माधुरी दीक्षित की कुल संपत्ति के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।